कोविड-19 महामारी के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोकने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट के अंतर्गत समितियों का गठन किया जा रहा है। इसमें लहार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी समिति की प्रकाशित लिस्ट के क्षेत्र के समाज सेवियों के नाम चस्पा कराकर सार्वजनिक की गई थी, लेकिन आज फिर लहार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रभावशाली नेताओं के दबाव में आकर पूर्व में जारी समाज सेवियों की लिस्ट को निरस्त कर दिया गया और नई समाज सेवियों की लिस्ट समिति गठन को लेकर चस्पा कर दी गई है, जिसमें अनेक बुद्धिजीवी समाज सेवियों के नाम काट दिए जाने से क्षेत्र की जनता और समाज सेवियों में काफी नाराजगी है। वहीं विधायक द्वारा अनुविभागीय अधिकारियों को इस दूसरी चस्पा लिस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए लेटर लिखकर स्वयं को इस क्राइसिस मैनेजमेंट के अंतर्गत बनने वाली समिति से अलग कर लिया है। और कोई अपराधिक प्रकृति का काय का है ये कोई आवेदन आप आमंत्रित थोड़ी किए जाते हैं, वो तो संभ्रांत लोग हैं जो भी आप लोग भी किसका रिकॉर्ड को अधिकारी देखता है। रिकॉर्ड से संबंध नहीं, कोई फिजिकली कहीं कोई बैठना नहीं है, केवल ऑनलाइन आप जानते हैं गूगल मीट पर बात होती। सुझाव अगर कोई दे सकता है तो कोई व्यक्ति कोरोना को कैसे अच्छे से निपटाए इसमें अपने सुझाव रख सकता है, वो खुला है। सर पिछली किसी व्यक्ति का नाम से स्वयं और अपने साथियों ने सब मिलकर हटने का निर्णय किया है और कलेक्टर को इसलिए आगाह कर दिया कि इस तरह का प्रशासन जो लहर में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के नौकर न होकर भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बनकर काम कर रहे जो अधिकारी उनके को सचेत करें। इस तरह का मूल्यों का हनन होते समय होते